बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लर्निंग सेंटर यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ दोस्तों। आज के इस लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग फार्मूला के तहत हम अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाएँ, लाइक करें और कमेंट ज़रूर प्रेस करें। ये दोस्तों हमारे पास एक शीट है जिसमें हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है और उसके बाद दोस्तों सबसे पहले दोस्तों हम इसको कॉलम वाइज अप्लाई करेंगे, उसके बाद दोस्तों रो वाइज अप्लाई करेंगे डिफरेंट फार्मूले के तहत। तो सबसे पहले दोस्तों इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ तक कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाए, नेव रूल्स यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमिन विच सेल्स टू फॉर्मेट, इक्वल टू फर्स्ट सेल पे क्लिक करें, ग्रेटर इक्वल टू ये अमाउंट, फॉर्मेट में जाए, सॉरी दोस्तों कैंसिल करता हूँ, मैं पहले इस फार्मूले को कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी। अब दोस्तों फॉर्मेट में जाते हैं और यहाँ से इस कलर ये वाली कलर बैकग्राउंड में मैं देता हूँ, ओके कर दे और यहाँ से भी ओके कर दे। तो आप देख रहे हो दोस्तों सबको फॉर्मेट मिल गया है, जो 65 से कम है उसको भी मिला है, जो 65 से ज़्यादा है उसको भी मिला है। तो दोस्तों इस मसले से निमटने का क्या तरीका है, कंट्रोल जेड कर दे और यहाँ पर मैं फार्मूला पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल वी, फार्मूला मैंने कॉपी कर दिया। अब दोस्तों इसको जैसे ही मैं ड्रैग कर दूँ तो सबके सामने दोस्तों ट्रू आ रहे हैं। तो इस फार्मूला से कैसे निमटे, इस पर क्लिक करें पहले उस पर और यहाँ से ये जो डॉलर का साइन है इसको हटाते हैं, फार्मूला से डॉलर का साइन है इसको हटाते हैं, एंटर करें यहाँ से, ठीक है दोस्तों एंटर करें। अब दोस्तों इसको यहाँ से ड्रैग कर ले, तो आप देख रहे हो दोस्तों जो 40,000 है उसके सामने फॉल्स आ रहे हैं, जो 60,000 है उसके सामने भी फॉल्स आ रहा है, जो 75 है यानी 65 से अबव उसके सामने ट्रू आ रहा है। अभी दोस्तों ये जो फार्मूला हमने कॉपी किया इसको अब हम कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी के साथ, एस्केप कर दे और इसको ख़त्म कर दे, यहाँ से क्लियर आल पे क्लिक करें, सेलेक्ट करें और कंडीशनल उस फार्मूला को दोस्तों मैंने कॉपी किया था, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाए, न्यू रूल्स यूज फार्मूला टू डिटरमिन विच सेल्स टू फॉर्मेट, यहाँ क्लिक करें और कंट्रोल वी, यहाँ से दोस्तों फॉर्मेट में जाए और इस बैकग्राउंड में ये कलर देना चाहता हूँ, ओके कर दे और यहाँ से भी ओके कर दे। तो आप देख रहे हैं दोस्तों फार्मूला बेहतरीन तरीके में अप्लाई हो गया। ये जो ऊपर अमाउंट है 65 इसको मैं 75 कर लेता हूँ, तो आप देख रहे हैं दोस्तों जो 75 के बराबर या ज़्यादा है उस पर अप्लाई हो गया है। इसको दोस्तों मैं 80 कर लेता हूँ, एंटर करें तो 80 के बराबर या ज़्यादा है उसको अप्लाई हो गया। इसको दोस्तों मैं 85 कर लेता हूँ तो सिर्फ 90 वाला जो है उस पे अप्लाई हो गया है। तो यही दोस्तों मेन ट्रिक था जो कि मैंने इस फार्मूले में आपको बताया। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर इसको तो हमने रो वाइज किया अप्लाई किया है, अब दोस्तों इसी फार्मूले को हम कॉलम वाइज अप्लाई किया है, इसी को दोस्तों अब हम रो वाइज अप्लाई करते हैं। तो क्या तरीका है, इसको मैं डिलीट करता हूँ, जो इजाफी रो है हमारे पास, कॉलम है हमारे पास, यहाँ दोस्तों मैं अप्लाई करना चाहता हूँ इक्वल टू, सारी दोस्तों पहले थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज बढ़ा दे, इक्वल टू ये अमाउंट, ग्रेटर इक्वल टू ये अमाउंट, इसको दोस्तों F4 के साथ फिक्स करते और एंटर करें। अब दोस्तों इसको मैं एक दफ़ा रिवाइज ड्रैग करता हूँ, उसके बाद दोस्तों इसको कॉलम वाइज ड्रैग कर दे और यहाँ से, तो आप देख रहे हैं दोस्तों
यहाँ चूँकि 85, इसको मैं 70 कर लेता हूँ, तो यहाँ पर जो अमाउंट 70 है वहाँ उसके सामने ट्रू आ रहे हैं, यहाँ भी ट्रू आ रहे हैं, यहाँ भी ट्रू आ रहे हैं, यहाँ भी ट्रू आ रहा है, यहाँ फाल्स आ रहा है क्योंकि ये 70 से कम है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे दोस्तों, यहाँ क्या मसला है, यहाँ सब के सामने ट्रू आ रहा है। इस मसले से कैसे निपटे, इस मसले को कैसे हल करें, वेरी सिंपल रूल है और चलते अप्लाई करते हैं। यहाँ डबल क्लिक करें और इसको दोस्तों हमने रो वाइज फिक्स करना है। F4 को 3 दफ़ा प्रेस करें, 1 2 3, रो वाइज हमने फिक्स किया F4 के बटन के साथ। यहाँ पे दोस्तों एंटर करें और अभी दोस्तों इसको इस तरफ ड्रैग करें और फिर नीचे की तरफ ड्रैग कर दें। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ भी ट्रू, यहाँ भी ट्रू, यहाँ फॉल्स, यहाँ फॉल्स, यहाँ भी दोनों के सामने ट्रू आ रहे हैं। तो हम इसका मकसद ये कि हमारा फार्मूला दुरुस्त है, यहाँ भी फॉल्स है, यहाँ भी फॉल्स है। तो इस फार्मूले का हमने क्या करना है, सिंपली यहाँ से कॉपी कर दे इस फार्मूले को, कंट्रोल सी एस्केप। अब दोस्तों इसको कम्प्लीटली ख़त्म कर दे, यहाँ से क्लियर आल कर दे और इसको सेलेक्ट करे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाए, न्यू रोल पे क्लिक करे, यूज़ ए फार्मूला टू डिटरमिन, इस पे क्लिक करे और कंट्रोल वी पेस्ट किया, फॉर्मेट में जाए, बैकग्राउंड कलर ये दिया, फ़ॉन्ट कलर कौन सा दें, सिर्फ बोल्ड कर लेते हैं हम फ़ॉन्ट को, और ओके कर दें, यहाँ से भी ओके कर दें। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, बेहतरीन किस्म का फॉर्मेट अप्लाई हो गया है। नेक्स्ट दोस्तों जो ट्रिक है, अब दोस्तों यहाँ से मैं इसको 75 कर लेता हूँ, तो यहाँ से ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। इसको 65 कर लेता हूँ, 65,000 कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली दोस्तों चेंज हो रहा है। यही मेन ऑब्जेक्टिव था, मेन मकसद था आज के कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। नेक्स्ट जो ट्रिक है, इसको दोस्तों मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ पर कंट्रोल वी एस्केप, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग साथ अप्लाई हो रहा है। क्या तरीका है, इसको सेलेक्ट करें, यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लियर रोल, क्लियर रोल फ्राम सेलेक्टेड सेल, क्लियर रोल फ्राम इंटायर शीट, हम फ्राम सेलेक्टेड सेल कर लेते और ओके कर दे। तो हम सिर्फ इसका जो वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो हमने ख़त्म कर दिया। मज़ीद वीडियो और अपडेट के लिए हमारे चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाएँ, लाइक करें और कमेंट ज़रूर पेश करें। थैंक यू सो मच।